सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सारे अनु सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। आज अपन जा रहे हैं भाई लोगों आगरा। आगरा क्या काम पड़ गया है, बहुत ज़्यादा जो अपन ने चीज़ ली थी, बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ थी अपने लिए, जो अपने बहुत साथ देने वाली थी, उसमें थोड़ी सी आ गई कमी। क्या कमी आई है वो चीज़ मैं आज आपको बता देता हूँ। भाई कमी आई थी अपन ने उसमें, एक माउस फ्री आया था, अगर मैंने याद हो तो आपने मेरा व्लॉग देखा हो, आसुस का जो लैपटॉप था ज़ाइफ्रस, जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग करी थी, उसमें क्या क्या आइटम निकला है। तो उसमें एक भाई एक था उसमें माउस, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भाई ROG का ग्लैडियस 2 माउस। इसमें पंगा क्या हुआ, अपन ने इसको 2 बार चेंज करवा लिया। अपन इसको जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूँ तो उसमें आता है USB नॉट रिकॉग्नाइज। तो मुझे लगा शायद माउस ख़राब है, तो मैंने एक बार भेज दिया था भैया के पास, उन्होंने मुझे दोबारा से चेंज करके भेज दिया है। और अपन ने जैसे ही दोबारा लगाया तो उसमें वही प्रॉब्लम आई, USB नॉट रिकॉग्नाइज। तो मेरे समझ से बाहर, भैया को फ़ोन किया, भैया वही प्रॉब्लम आ रही है यार, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तब उन्होंने मेरे को बताया कि भैया इसमें एक ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके माउस के लिए, जो सिर्फ माउस जो है वो आपके ज़ाइफ्रस में वर्क करेगा और किसी लैपटॉप किसी कंप्यूटर में वर्क नहीं करेगा। तो अभी अपन चल रहे हैं भाई आगरा, वो कनेक्ट करवाते हैं, जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल करवाते हैं, उसके बाद माउस का यूज़ करके देखेंगे। मैंने जब से आया ये माउस यूज़ नहीं किया, मेरा बहुत तमन्ना है इसको यूज़ करने के लिए, और मेरे को छोटा मोटा काम भी था इसलिए मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, मेरे को कुछ सामान भी लेके आना है। तो चलते चलते बातें करते रहेंगे और क्या क्या सामान लेके आएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो इसीलिए आज मेरे को गाड़ी लेके जानी पड़ रही, नहीं तो आज मैं अपना जो ब्लैक मॉन्स्टर था वो मैंने वॉश भी करवा लिया था, सब कुछ तरीके से रेडी कर दिया था, चैन क्लीन करके, चैन लूप वगैरह करके, कि आज अपन हिमालयन से चलने वाले हैं। बट क्या करें, छोटा मोटा और भी सामान था जो अपन ने को लेके आना था फिर यार, और गर्मी भी आज इतनी ज़्यादा है कि बस बहुत ज़्यादा है, इसलिए फिर मेरा सोचा कि यार चलो कोई बात नहीं, गाड़ी से ही चलते हैं। तो अभी अपन जा रहे हैं गाड़ी से भाई सीधा आगरा, और गाड़ी में भी यार छोटी मोटी प्रॉब्लम आ चुकी है, पता नहीं क्या, मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं करी थी, काफ़ी टाइम से खड़ी हुई थी, तो इसमें यार वो पता है चूहे वगैरह आ गए और इन्होंने कुछ वायरिंग वगैरह भी काट दी है, जिससे मेरे कंसोल में 2-3 लाइटें भी आ रही हैं, इसको भी बेचारी को सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा। भाई बहुत दुखी गया चूहों ने, पीछे की सीट जो थी वो भी काट दी है उन्होंने, और मतलब यार इतना नुकसान कर दिया ना जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब चल रहा है। और गाड़ी में अजीब सी फंगस टाइप में लग गई थी, तो कल मैंने गाड़ी ढंग से वॉश करवाई, इंटीरियर क्लीन करवाया सारा कुछ। उसके बाद यार अभी जब अपन जयपुर चलेंगे तो सेरेमिक प्रो पे मैं अपनी गाड़ी को ड्रॉप करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटीरियर इसका अच्छे से दोबारा से करवाना पड़ेगा, क्योंकि यार ये जो प्रॉब्लम है ना भाई, लगती छोटी सी है बट यार बच्चे वगैरह बैठते हैं, अपन भी बैठते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं ज़्यादा रिस्क लेता नहीं हूँ। ठीक है, जो किस्मत में है वो होना ही होना है। तो चलो जी अब चलते हैं आगे, मिलते हैं सीधा आपसे आगरा में। वो भरतपुर से निकलते ही बरसात ने अच्छे से स्वागत कर दिया है, धुली धुलाई गाड़ी की नाश हो गई है, देखो वैसे तो आप सभी लोगों को पता होगा कि यार अपने जो राजस्थान में डीजल और पेट्रोल है वो सबसे ज़्यादा महंगा है, और अपने यूपी में जो है वो राजस्थान से भाई 10 रुपये लीटर सस्ता है, और मेरे को राजस्थान से यूपी आने में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूपी बहुत पास में यार। अब यूपी बॉर्डर हमारे भरतपुर से देखा जाए तो जस्ट एंड ओनली 13 किलोमीटर है, और अभी आने वाला है पेट्रोल पंप, अपन करवाएंगे अपनी गाड़ी का टैंक फुल, क्योंकि गाड़ी अपनी रिजर्व में आने वाली है, आप देख सकते हो ये अपनी गाड़ी रिजर्व में आने वाली है। तो उससे बेटर है कि अपन यहाँ से टैंक फुल करवा लेते हैं। अभी मेरी गाड़ी में ज़्यादा नहीं, तो मैं हंस के बोल सकता हूँ कि 50 लीटर डीजल आराम से आएगा। तो भाई 50 लीटर अगर डीजल की बात करें तो सीधे सीधे अपन ने सेव कर लिए 500 रुपीज़। तो अपन भाई यहीं से ही डलवाएंगे डीजल, क्योंकि सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी है, तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ से फुल करा के फिर सीधा निकलेंगे अपन, क्या कहते हैं, सीधा निकलेंगे आगरा के लिए। और भाई रास्ते में टाइम पास करने के लिए और फेवरेट बेवरेज है वो मेरे हाथ में है, रेडबुल, तो इसके बिना तो अपना कुछ पड़ता नहीं है। तो ये लो जी अब आ चुका है अपना पेट्रोल पंप HP का, जहाँ से मैं हर बार डीजल लेता हूँ। ट्रैफिक लगा हुआ है, जो है डीजल है वो 89 रुपीज़ से लीटर है, और यहाँ से मुझे ज़्यादा बेटर लगा तो अपन यहीं से रिफ़िल करवा रहे हैं।
भाई 19 लीटर आ चुका है, 30 लीटर बाकी है तो करवा लेते हैं फुल। हाफ टैंक हो चुका है अपना। वो आइडिया लगाया था 50 लीटर का, बट गाड़ी में आया 51.81 लीटर और टैंक हो चुका है फुल। और भाई ये देखो जो सेल रिसिप्ट है, आप इसमें देखो 88.96 लीटर और 4609 रुपीस का डीजल आया है 51.81 लीटर। बहुत सही भाई, बहुत सही। तो भाई लोगों अगर आज की बात करी जाए पेट्रोल और डीजल की रेट्स की, तो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। क्या करें, अब गाड़ी चलेगी तो भाई डलवाना तो पड़ेगा, सारा कुछ काम करने पड़ते हैं जो करने हैं। दिल दुखता है रे यार, 5,000 का डीजल भाई। कोई बात नहीं, बट अपनी गाड़ी का एवरेज बहुत अच्छा है जेटा का। सीरियसली मेरे को वॉक्सवैगन अगर जेटा किसी चीज़ से पसंद है तो सिर्फ इसी चीज़ से पसंद है, इसका एवरेज बहुत अच्छा है। डीजल में हाईवे पे इसका एवरेज आता है 22+। जी हाँ, 22 किलोमीटर पर लीटर का इसका एवरेज आता है। तो इस चीज़ से मैं बहुत हैप्पी हूँ इसको लेके। बाकी गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है, परफेक्ट। मेरे को वॉक्सवैगन दिल से बहुत पसंद है। इसकी जो मेज़र बिल्ट क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सेफ्टी फीचर्स को लेके, सब चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। वॉक्सवैगन आई रियली लव इट। वॉक्सवैगन ऐसे बने रहो और अच्छी अच्छी चीज़ें हमें देते रहो, अच्छी अच्छी ऐसी ऐसी गाड़ियाँ निकालते रहो। बस थोड़ा इंडिया में जो इसका रीसेल मार्केट है वो बहुत डाउन है, थोड़ा मोटा नहीं बहुत ज़्यादा डाउन है। सो भाई लोगों अभी काम करते करते बज गए शाम के 4:30 और मैंने लैपटॉप एक्चुअली वहाँ पर दे दिया था बीएम कंप्यूटर्स पे। वहाँ थोड़ा टाइम लग रहा था तो, और मैं वहाँ दिखा नहीं पाया, क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो कैमरा मैंने गाड़ी में ही छोड़ दिया था। और अभी अपन पहुँचने वाले हैं जी सदर। सदर में बस मेरे को छोटा सा काम है एक्चुअली, मेरे टूथपेस्ट जो मैं यूज़ करता हूँ वो कहीं मिलता नहीं है। तो भाई लोगों यार एक पड़ गया पंगा, आज है ट्यूसडे, मैं दिमाग से उतर गया। अपना फ्री रहता है बट सदर भी बंद रहता है यार यहाँ पर, तो भाई काम बन नहीं पाया यार सदर वाला। तो कोई बात नहीं जी, अब संजय पैलेस चलते हैं। संजय पैलेस पे अपना दिया हुआ है अपन ने लैपटॉप जिसमें माउस वर्क नहीं कर रहा था, तो बस अब वहाँ चलते हैं। यहाँ बारिश नहीं है, उस साइड बारिश है। अभी मैं आया तब भी वहाँ बारिश थी, वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ बारिश नहीं हुई तो अपन रिकॉर्डिंग कर लेंगे, नहीं तो यार भगवान के आसरे। अभी वहाँ चलते हैं संजय पहले से अपना लैपटॉप उठाते हैं, शायद से हो गया होगा। और एक बार अपन वहाँ जाके फ़ोन, अभी मैं कॉल कर लेता हूँ कि लैपटॉप ठीक हुआ है नहीं हुआ है, माउस जो था वर्क करना स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ है, तो फ़ोन करते हैं। सो भाई लोगों अभी अपन पहुँच चुके हैं संजय पैलेस, चलते हैं सीधा आपको बीएम कंप्यूटर्स पर लेके। लैपटॉप में क्या कमी थी, माउस में क्या कमी थी, वो जाके पता करते हैं। सो फाइनली अभी अपन ने कलेक्ट कर लिया अपना लैपटॉप। प्रॉब्लम कुछ नहीं थी उसमें, एक आर्मरी क्रिएट करनी थी जो मेरे से नहीं हुई। मैंने काफ़ी ट्राई किया बट मुझे नहीं मिला। कोई बात नहीं जी, इन्होंने कर दिया, मच बेटर। वहाँ मन था कि मैं वहाँ जाके व्लॉग बनाऊं बट वहाँ बहुत ज़्यादा शोर था क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। तो आई एम रियली सो सॉरी गाइज, मैं वहाँ का व्लॉग नहीं बना पाया। कोई बात नहीं, एक संजय पैलेस पे ना भाई दाल बाटी चूरमा वाला बहुत प्रसिद्ध, बहुत फेमस है, तो मेरे को भूख भी लग रही है, मैं वहाँ जाके दाल बाटी खाने वाला हूँ। ये है वो दाल बाटी चूरमा। तो भाई लोगों दाल बाटी खा के आज भी वही स्वाद है इस बंदे का। क्या अल्टीमेट दाल थी, क्या अल्टीमेट बाटी थी यार, मतलब अमेजिंग, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। दिल खुश कर देता है यार ये बंदा, मतलब कुछ भी को इसकी दाल बाटी चूरमा जिसने खा लिया वो समझो अमर। जस्ट जोकिंग, काफ़ी अच्छा बनाता है यार ये, मतलब दाल बाटी चूरमा शायद इसके अलावा शायद ही कोई बनाता होगा यार। बहुत टाइम से एक्सपीरियंस है इसको और इस बंदे ने ना अभी तक टेस्ट चेंज नहीं किया यार। सबसे बड़ी बात ये, टेस्ट बिल्कुल एज इट इज़ का एज इट इज़ है। सो भाई लोगों अभी अपन आ चुके हैं हाईवे पे, अब होने वाला है अंधेरा, तो सोचा मैंने कहा यार व्लॉग एंड कर देते हैं। व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना। एनीवेज होप करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भी चैनल पे मेरे नया है भाई प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलो जी, तब तक के लिए आपसे चाहता हूँ इजाज़त। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।